हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों के साथ ही एक और बात सुर्खियों में रही, वो थी वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप। बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी हार का प्रमुख कारण वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ को बताया था। इसके अलावा आप नेता अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली निगमों के चुनाव ईवीएम के बजाय मतपत्रों के जरिए करवाए जाने के निर्देश मुख्य सचिव को दिए। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है। आखिर क्यों नहीं हो सकती ईवीएम से छेड़छाड़, आइए जानते हैं कुछ प्रमुख कारणों से। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता, अतः इसे ऑनलाइन हैक नहीं किया जा सकता। ये पहले से तय नहीं होता कि किस बूथ पर कौन सी ईवीएम जाएगी। अंतिम समय तक पोलिंग पार्टी को पता नहीं रहता कि उनके हाथ में कौन सी ईवीएम आने वाली है। अब मतदाता वोट डालने के बाद ये भी देख सकता है कि उसने जिस प्रत्याशी को वोट दिया है उसे वोट मिला भी है या नहीं। वोटिंग के पहले ईवीएम की गोपनीय तरीके से जांच की जाती है। वोटिंग से पहले उम्मीदवार के मतदान केंद्र प्रभारी या पोलिंग एजेंट के सामने मतदान शुरू करने से पहले मॉक पोलिंग होती है। इस प्रक्रिया में सभी पोलिंग एजेंट मशीनों में वोट डालते हैं। ऐसे में यदि किसी मशीन में गड़बड़ी होती है तो उसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। मॉक पोल के बाद उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र की पोलिंग पार्टी के प्रभारी को सही मॉक पोल का सर्टिफिकेट देते हैं, अर्थात मशीन वोटिंग के अनुकूल है। मतदान शुरू होने के बाद मतदान केंद्र में मशीन के पास मतदाताओं के अलावा मतदान कर्मियों के जाने की मनाही होती है। वे तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति में ही ईवीएम के पास जा सकते हैं। मतदान केंद्र पर मौजूद रजिस्टर में भी मतदान करने वाले मतदाताओं का विवरण अंकित रहता है। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम छेड़छाड़ से संबंधित जितने भी मामले आए उनमें से भी कोई मामला अब तक सिद्ध नहीं हो पाया। स्वयं चुनाव आयोग भी लोगों को आमंत्रित करता है कि वे आयोग जाकर ईवीएम की तकनीक को गलत सिद्ध करने हेतु अपने दावे प्रस्तुत करें।